Hey guys, welcome back to पाव मसाला मसाला पाव जिसे हमने क्या टाइम पे ट्राई कर रही हूँ क्या कर रही हूँ मतलब तो आज हम आप देख सकते हैं एक इंडोर वीडियो शूट कर रहे हैं घर के अंदर और हम ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अनोन्स के इंस्टाग्राम पेज पे एक मैसेज आया था. वो मैसेज था फॉर अ कोलैबोरेशन फ्रॉम अ कंपनी टेम्पे जो कि एक वेज प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है बनाती है. तो उसका कोलैबोरेशन आया था तो उन लोगों ने हमारी कुछ वीडियोज देखी थी और उनको अच्छा लगा था कि जैसे हम किसी चीज का रिव्यू करते हैं तो उन लोगों ने हमें कहा था कि हम आपको अपना प्रोडक्ट देंगे तो आप भी हमें रिव्यू कर देना. तो हम वो प्रोडक्ट हमारे पास अब आ चुका है तो ये लोग भी जुड़ चुके हैं. हेलो हेलो. तो हाँ तो हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं. कुछ कुछ हम लोग दो डिशेस बनाने की सोच रहे हैं जिसमें हम उस प्रोटीन का यूज करेंगे उसको टेस्ट करेंगे. अभी तक जितना मैंने उस प्रोटीन के बारे में पढ़ा है मुझे वो काफी सही लगा है. बाकी खा के क्या टेस्ट होगा वो बताते हैं. अभी ये लोग बहुत शिद्दतों के साथ दूर दूर से ट्रेवल करके मेरे घर आए हैं और उसके बाद सब्जियां काट रहे हैं. डेडिकेशन. सो ये देखो ये वेरी डेडिकेशन के साथ दे आर डूइंग देयर वर्क. ओह माय गॉड इंग्लिश. तो अभी हम कट शॉर्ट करते हैं इस वीडियो को. बहुत लंबा नहीं खींचेंगे. तो जो प्रोडक्ट है वो अभी हमने फ्रिज में रखा हुआ है और यहाँ सब्जियां कट रही है और जैसी वो सब्जी बनाने जाएंगे हम तब आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं. तो हेलो मनीषा. तो आज जिस हम प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बता दो. तो ये बेसिकली प्रोडक्ट एक प्रोटीन वेज प्रोटीन ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट है. जो लोग जिम वगैरह जाते हैं जो प्रोटीन रिच खाना खाते हैं तो ये उस उन चीजों में डाल के हम प्रोटीन रिच कर सकते हैं. कंपनी का नाम टेम्पे और प्रोडक्ट है ओ मेरे हाथ में आ गया प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट है जो मेरे पास है इसमें तीन वेराइटीज है हमारे पास. जो मेरे पास है वो शेजवान चिली है जिसमें 36 ग्राम प्रोटीन है पैक्ड प्रोटीन और इसको फ्रिज में रखना होता है. टेस्ट इसका शेजवान है मतलब थोड़ा चिली वाला टेस्ट आ जाएगा. तो ये हमारा फर्स्ट है. और जो हमारा सेकेंड है तो क्या सिर्फ इनके पास एक ही फ्लेवर है? नहीं नहीं 6 और फ्लेवर है हमारे पास. एक और था जैसे अभी हमारे पास इससे पहले शेजवान था हमारे पास है पेरी पेरी एंड लाइक ये ना हर किसी के लिए अच्छा है. नॉट फॉर ओनली जिम वाले. कोई भी नॉर्मल इंसान जिसे प्रोटीन की जरूरत है. तो जैसे अभी मीनाक्षी ने बताया कि हमारे पास तीन प्रोडक्ट आया दो हमने देख लिए तो तीसरा प्रोडक्ट क्या है और कहाँ है? हमारे पास एक और प्रोडक्ट है इसका. कहाँ पे? तो ये है तवा मसाला. आप इसको जरूरी नहीं है कि एक ही डिश में इस्तेमाल करें. आप इसको मल्टीपल डिश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये कस दिया है. ये पहला प्रोडक्ट मैंने कस दिया है. किचन में मीनाक्षी कुकिंग कर रही है. तो हम इसको किस चीज में यूज करने वाले हैं? इसको हम शायद पाव भाजी में यूज करने वाले हैं. तो पाव भाजी में हम अपना स्वाद भी रखेंगे और साथ में हम ये बहुत बढ़िया प्रोटीन भी यूज करने वाले हैं विच इज वेरी नाइस. अगेन रवि हेलो. कुक हो रहा है मसाला पाव. का मसाला का मसाला है आपने इसमें? बटर अनियन टमाटो कैप्सिकम एंड हमारा लहसुन. खुशबू सूंघ सकते हैं तवा टेम्पे. हाँ तो हमारा येलो वाला तवा टेम्पे यहाँ पे गया है. यस. और यहाँ पे साइड में हमारे नूडल्स बॉइल हो चुके हैं. तो मैं मनीषा शेफ शेफ अभी इसको टेस्ट करेंगे. जब ये बन जाएगा फिर हम इनको देखते हैं कि ये अच्छी कुक है कि नहीं. लेकिन क्योंकि आपने टेम्पे का यूज किया गया तो मुझे लग रहा है कि खाना बहुत अच्छा ही बनेगा. प्रोटीन रिच
खाना बनने वाला है आज। खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। मैं तो जिम जाने का सोच रही थी लेकिन मुझे लगता है मुझे जाने की जरूरत नहीं। मुझे पूरा मिल गया। और देखिए आप दूसरी तरफ देख सकते हैं हम चाउमीन बना रहे हैं। चाउमीन ज्यादा चाउमीन नहीं नूडल्स, हाका नूडल्स। चाउमीन क्या क्या हम वो नहीं कर सकते। तो ज्यादातर मान जाते हैं कि हाका नूडल्स क्या है कि लोग सोचते हैं जंक फूड है और ये वो ये वो, लेकिन हम उसमें प्रोटीन मिलाएंगे, हम बैलेंस करेंगे चीजों को, हम टेस्ट को हम लोग इंडियन भी बना रहे हैं एंड चाइनीज भी। हाँ तो एक हमने डिश ली है मसाला पाव और एक हमने लिया है नूडल्स। टेम्पे ओनली यहाँ पे टेम्पे। आज खाने में क्या रहेगा अच्छी? हमने एक पैकेट को यूज करा था और उसमें से हमारा इतना भी बच गया है। हमने इतने का तीन लोगों के हिसाब से इतना बना लिया लेकिन इसमें इतना बच गया हमारा। जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओ भाई मेथी को पता है। जीरा को हिंदी में क्या इंग्लिश में? एक सेकंड यार, मेरे को याद है यार। कोलेस्ट्रॉल कम होता है पीनट ऑयल में, इसलिए हम सिर्फ पीनट ऑयल यूज करते हैं गाइस। आप भी यूज करो। और यार कालीगोरी से क्या होता है, इंसान अच्छा होना चाहिए दिल से। अब ऐसे ऐसे में हो रहे हैं ये बड़ा बड़ा। कर लिया भाई, करा भाई, ब्रेक डांस करो अच्छे से, करो अच्छे से। हाँ ऐसे घुमा ऐसे। Oh my God! Wow! तो हमारा नूडल्स में हम लोगों ने अपना सेकंड क्या बोलते हैं फ्लेवर डाल दिया है, सेकंड टेम्पले का फ्लेवर डाल दिया है जो कि था हमारा शेजवान, और उसमें हमने शेजवान चटनी भी डाली। तो ये बहुत ज़्यादा चिली बनने वाला है मेरे ख्याल से। मेरे को खुशबू यहाँ तक आ रही है तो बढ़िया लग रहा है। पनीर जैसा इसका शेप है, प्रोटीन रिच है, 36 ग्राम प्रोटीन है, तो ओवरऑल बहुत अच्छा बनने वाला है गाइस। हेल्थ कॉन्शियस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई इडली लगा दो। Hey, what's up, dog? आपके घर में लोग आए, आपको कैसा लग रहा है टफी? कैसा लग रहा है? हमारा ये रेडी हो चुका है। तो ये है मसाला। गाइस ये है हमारा मसाला पाव जिसमें हमने डाला है तवा टेम्पे। प्रोटीन रिच तवा टेम्पे, जिसको बनाने का पूरा श्रेय इनको जाता है। इनने बहुत मेहनत करके सब बनाया है। लेकिन हमारे पास है हाका नूडल्स, हमने यूज किया और उसमें हमने डाला था ये देख सकते हैं आप, ये हमारा शेजवान टेम्पे है क्योंकि थोड़ा चिली फ्लेवर देता है और इसको बनाने का श्रेय भी इनको ही जाता है। तो आज की हमारी मेन, हमने बस कटिंग में थोड़ा थोड़ा हेल्प करा है। हमारी मेन शेफ आज की ये है तो सपोर्ट किया है। तो अब हम इसको खा के बताते हैं कैसा है। ये वो है शेजवान टेम्पे अच्छा है ये। तो आप देखेंगे तो जो मसाला है ना इसमें हमें कुछ तो डालना पड़ता है, सिर्फ प्याज और उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो हम इसमें जनरली क्या डालते हैं जब आप मसाला बनाते हो?
कैप्सिकम, टमाटर, प्याज, सब्जियाँ, ये सब डाल रहे हैं। लेकिन आज हमने नया इंग्रेडिएंट ट्राई करा है और ये हेल्दी भी है, सो नाइस। एक्स्ट्रा मार्क्स दोनों का। वैसे मसाला वाला भी इसमें स्वाद निकल के आ रहा है तो वो अच्छा लग रहा है। और आज का दिन बहुत बढ़िया हो गया इस चक्कर। मैं टेम्पे को एज अ प्रोटीन, अगर मेरे को बहुत पसंद है प्रोटीन खाना और आई एम अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस पर्सन, तो मुझे पसंद नहीं है, हमारी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है तो खाना पड़ेगा आपको। लोग प्रोटीन खाते हैं, मेरी मम्मी को प्रोटीन पसंद नहीं है। जब मेरा भाई भी प्रोटीन खाता है ना तो उनको लगता है कि प्रोटीन इतना अच्छा नहीं होता, मैं टेम्पे खिलाऊं पर स्वादिष्ट है। तो ये क्या है, जैसे सोया बीन्स होते हैं ना वैसे टाइप का है, लेकिन पनीर टाइप का है। सोयाबीन पनीर, हाँ बिल्कुल पनीर टाइप का है। तो जो लोग नॉन वेज नहीं खाते, जिनको प्रोटीन की जरूरत है, नॉन वेज नहीं खाते, तो इनको पनीर से भी ज्यादा प्रोटीन मिलेगा इसमें। तो आई थिंक आपको भी ट्राई करना चाहिए एक बार, कहीं भी खरीद सकते हो आप Amazon वगैरह पे, या टेम्पे ऑनलाइन साइट भी है, इनकी एक्चुअल साइट भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, डू चेक इट। और एक बार तो ट्राई करना बनता ही है एज अ प्रोटीन फ्रीक आप लोगों को, ठीक है। हम खाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा, तो बाय। काम हो रहा है बहुत भयंकर, बर्तन धुल रहे हैं, इनने सब कुछ काम कर लिया है। हाँ देख, ये रगड़ के दिखे बस भाई। यस यस, साइड से गोल गोल सर्कुलर मोशन में। सोनी वो भी शक्ति वाला विम बार, अनदर प्रमोशन। तो फिर कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया? कोई नहीं आया। और बताओ मीनाक्षी, तो कैसा लगा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, खुशी मुझे अपने फर्स्ट कोलैबोरेशन की। ऐसे ही और कब कोलैबोरेशन आते रहे। yes. अच्छा लग रहा है आपको घर पे रह के? घर पे रह के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरे पास दोस्त ऐसे मिले बकवास दोस्त। कुछ नहीं कर सकते, क्या हमारे बारे में बात हो रही है क्या? समझदार को इशारा का। तो हम आ चुके हैं महिषा के घर से, थके हारे घर में रह के भी थक गए। हम जा रहे हैं मेट्रो की तरफ, अपने घर चलते हैं, बहुत टाइम लगेगा इन्हें तो, रात हो जानी घर जाते जाते। तो गाइस लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और हमें बताना जल्द मिलेंगे। यस, आप हमें बहुत सारी मोटिवेशन देना ताकि हमारे साथियों को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट व्लॉग लाने की। बाय। कैमरे के आगे मुड़ मुड़ के देखना किसे नहीं पसंद, इसीलिए हमने ये व्लॉगिंग चैनल शुरू करा। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट योर थॉट्स।